Assalamu alaikum dear students, stay home, stay safe. Today is 10th June and the day is Wednesday. So let's start our today's study plan. First of all, we are going to study English, unit number 8, and unit name is Dr. Abdul Qadir Khan. Previous lecture में हमने इस chapter की reading की थी, आज हम इसकी exercise करने जा रहे हैं. इस chapter की exercise आपको notes के page number 6 पे given है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश मीनिंग्स. फर्स्ट वर्ड इज इनरिचमेंट. इनरिचमेंट का मतलब होता है अफसूदगी. इम्प्रूवमेंट इंक्रीज. इम्प्रूवमेंट बेहतरी लाना, इंक्रीज बढ़ाना. फैसिलिटीज. फैसिलिटीज का मतलब होता है सहूलियात, सर्विसेज. मेटलॉर्जिकल रिलेटेड टू डिज़ाइन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मेटल्स. मेटलॉर्जिकल का मतलब होता है धातु का काम. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनल. एनल का मतलब होता है रिकॉर्ड. और नेक्स्ट आ जाता है एमर्ज्ड, मतलब अपीयर्ड. एमर्ज्ड का उर्दू में मतलब ये होगा उभरना. अपीयर्ड उभरना, सेम मीनिंग. ओके, नेक्स्ट आप पेज नंबर 6 ओपन करें. पेज नंबर 6 पे आपके पास नेक्स्ट पे आ जाते हैं सेंटेंसेस, वर्ड सेंटेंसेस. फर्स्ट वर्ड इज इंजीनियर. उमर इज़ एन इंजीनियर. उमर एक इंजीनियर है. इमर्ज्ड, शी वेटेड बट ही डिड नॉट इमर्ज अगेन. उसने इंतज़ार किया लेकिन वो दोबारा नहीं उभरा. सक्सीडेड, आई एम सो ग्लैड दैट यू सक्सीडेड. मैं बहुत खुश हूँ कि तुम कामयाब हुए. साइंटिस्ट, साइंसदान. डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इज़ पाकिस्तानी साइंटिस्ट. डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक पाकिस्तानी साइंसदान है. नोटेबल. नोटेबल का मतलब होता है काबिल ज़िक्र. जावेद इज़ नोटेबल पर्सन. जावेद एक काबिल जिक्र इंसान है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. आंसर दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ नाउन एज फाउंडर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम. पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम का बानी किसको कहा जाता है? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इज़ नाउन एज फाउंडर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम. डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम का बानी कहा जाता है. When and where डॉक्टर अब्दुल कदीर खान born? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कब और कहाँ पैदा हुए? He was born on 1st April 1936 at भोपाल, इंडिया. वो 1st April 1936 को भोपाल में पैदा हुए जो कि इंडिया का शहर है. Where did डॉक्टर अब्दुल कदीर खान go to get higher education? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने आला तालीम कहाँ से हासिल की? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान went to Holland to get higher education. डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हायर एजुकेशन के लिए हॉलैंड गए. व्हाई डिड ही ऑफर हिज सर्विसेज टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? उन्होंने अपनी खिदमत हुकूमत पाकिस्तान को क्यों पेश की? पाकिस्तान फोस्ट अ थ्रेट फ्रॉम इट्स एनिमी, सो ही ऑफर्ड हिज सर्विसेज टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के को अपने दुश्मनों से धमकियों का सामना करना पड़ा था, इस वजह से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने हुकूमत पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत पेश की. कि व्हेन डिड पाकिस्तान सक्सेसफुली कंडक्ट इज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट किया? इन 1998 पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस. 1998 में पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया. हाउ इज़ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इन इट्स पर्सनल लाइफ? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने साथी जिंदगी में कैसे थे? इन हिज पर्सनल लाइफ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इज़ ऑनेस्ट एंड केयरिंग पर्सन. अपनी साथी जिंदगी में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक सच्चे और ख्याल रखने वाले इंसान थे. सच्चे और ख्याल रखने वाले इंसान थे. ही लुक सिंपल मैन बट ही वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट. वो देखने में बहुत सादा थे लेकिन बहुत ज़्यादा ज़हीन इंसान थे. लिस्ट अवार्ड गिवन टू डॉक्टर अब्दुल कदीर खान. He was awarded निशान इम्तियाज़ in 1996 and again in 1998. उनको 1996 और 1998 में निशान इम्तियाज़ दिया गया. He also got हिलाल इम्तियाज़ in 1989 में उनको हिलाल इम्तियाज़ भी दिया गया. अब आप बुक का पेज नंबर 49 ओपन करें. इस पर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. मार्क द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइस. फर्स्ट है हमारे पास वाई इज़ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान नाउन एज मोहसिन पाकिस्तान. डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मोहसिन पाकिस्तान क्यों कहा जाता है? ही वॉज़ अ टीचर, क्योंकि वो एक उस्ताद थे. ही वॉज़ एन इंजीनियर. ही वॉज़ द फाउंडर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम. ही वॉज़ अ डॉक्टर. करेक्ट आंसर इज़ ही वॉज़ द फाउंडर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्योंकि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के बानी थे. नेक्स्ट पेज पे आएँ. वेयर वॉज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बोर्न? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कहाँ पैदा हुए? भोपाल, लाहौर, कराची, दिल्ली. करेक्ट आंसर इज़ भोपाल. वेयर वॉज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वर्किंग इन 1974 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान
कहाँ काम कर रहे थे? पाकिस्तान, जर्मनी, हॉलैंड, इंग्लैंड. करेक्ट आंसर इज हॉलैंड. हाउ डिड पाकिस्तान एमर्ज एज द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर कंट्री? पाकिस्तान किस तरह से वाहिद जो है वो मुस्लिम रियासत के तौर पर उभरा जिसके पास न्यूक्लियर प्रोग्राम था? एज अ रिजल्ट ऑफ पाकिस्तान गुड इकॉनमी, एज अ रिजल्ट ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, एज अ रिजल्ट ऑफ गुड लीडरशिप, एज अ रिजल्ट ऑफ गुड रिसर्च. आंसर इज एज अ रिजल्ट ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एफर्ट्स. हु ट्राई टू स्टॉप पाकिस्तान फ्राम डिवेलपिंग न्यूक्लियर वेपन? पाकिस्तान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से कौन रोकता था? सुपर पावर्स, न्यूक्लियर पावर्स, वर्ल्ड पावर्स और रीजनल पावर्स? सुपर पावर्स. नेक्स्ट भी हमारे पास आ जाता है ग्रामर का पोर्शन. इसमें है पोजेसिव प्रोनाउंस. पोजेसिव प्रोनाउंस आर द वर्ड दैट यूजली कम बिफोर नाउन एंड शो द ओनरशिप. पोजेसिव प्रोनाउन ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो नाउन से पहले आते हैं और वो मलकियत को जाहिर करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास पर्सन्स दिए गए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन के लिए हम लोग पोजेसिव नाउन यूज़ करेंगे माई, माइन, आर एंड आर्स. सेकंड पर्सन के लिए यूज़ करेंगे योर एंड योर्स. थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करेंगे हर, हर्स, हिज, देयर एंड देयर्स. ठीक है, इसी से रिलेटेड नीचे हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं. पिक द पोजेसिव एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड पुट इन टू द ब्लैंक. दिस इज डैश बुक. अब हमने माई और आई में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा पोजेसिव नाउन आ रहा है. दिस इज माई बुक. और डैश शूज आर अंडर द चेयर. हिज शूज आर अंडर द चेयर. दिस इज माई बुक. माई जो है वो ओनरशिप को जाहिर कर रहा है कि ये किताब मेरी है. इसी तरह से हिज शूज आर अंडर द चेयर. हर बैग इज ऑन द टेबल. दैट इज योर कार. आर फूड इज हेल्दी. नेक्स्ट पेज में भी इसी से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं. देयर हाउस इज़ वेरी लार्ज. द बर्ड इज़ फ्लाइंग. इट्स कलर इज ब्लैक. ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ अ वर्ड दैट शो पोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. दैट बुक इज माइन. दिस शर्ट इज योर्स. दीज पेंसिल्स आर आर्स. द डोल ऑन द टेबल इज हर्स. द फुटबॉल इन द प्ले ग्राउंड इज देयर. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइटिंग. एक पिक्चर हमें दी गई है. लुक एट द पिक्चर एंड write a short story on it. When you are done, talk about the different parts of the story, asking questions such as. हमें questions दिए गए हैं. सबसे पहले हमने इस पिक्चर को देख के खुद से एक स्टोरी लिखनी है. स्टोरी लिखने के बाद आपने नीचे दिए गए questions के आंसर देने हैं. यह आपने खुद से लिखना है. ठीक है, यह आपका होम टास्क. नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग. यूज पोलाइट वर्ड्स टू सीक परमिशन फॉर डूइंग समथिंग. इजाज़त लेने के लिए अच्छे अल्फाज का इंतखाब करना. मे आई कम इन. मैं आ जाऊँ. कुड यू प्लीज़ अलाउ अस टू प्ले इन द प्ले ग्राउंड. क्या आप हमें मैदान में खेलने की इजाज़त देंगी? कुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी फ्रूट फ्रॉम मार्केट. क्या आप मुझे बाज़ार से फ्रूट ला देंगे? कैन आई सिट हियर. क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? डू यू माइंड इफ़ आई टेक योर बुक. अगर मैं आपकी किताब लूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? इस तरह से डेली रूटीन में हम किसी से भी किसी चीज़ की परमिशन लेते हैं तो हम इन सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं. आज का हमारा इंग्लिश का लेक्चर यहीं तक था. थैंक यू. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं जो कि है सोशल स्टडीज़, यूनिट नंबर 6, वाटर एंड पावर. प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट टॉपिक्स डिस्कस किए थे जिनमें सोर्स ऑफ वाटर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे. आज हम इसी टॉपिक को पेज नंबर 47 से कंटिन्यू करने जा रहे हैं. टॉपिक्स हैं हमारे पास सोलर पंप्स, पावर एंड रॉ मटेरियल. इन तीन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे. सो ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 47. सोलर पंप्स. ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान, फार्मर्स आर नाउ यूजिंग सोलर पंप्स. सोलर पंप्स यूज एनर्जी फ्रॉम द सन टू ब्रिंग अंडरग्राउंड वाटर अप टू द सर्फेस. दे यूज इट टू इरीगेट देयर फार्म्स एंड इन देयर होम्स. Though the initial cost to install solar pumps is very high, the benefit to the farmers make it worthwhile. Farmers in the northern rural areas of Pakistan are already using solar pumps. Pakistan mein bijli ki kami ki wajah se kashtkar ab solar pumps istemal kar rahe hain. Solar pumps suraj se tavanai ko hasil karte hain aur zair zameen maujood pani ko upar satah par lekar aate hain aur is pani ko kheton ko sarab karne aur gharon mein istemal kiya jata hai. अगरचे सोलर पंप्स को इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं लेकिन बाद में इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा कारामद हैं. शुमाली दही इलाकों के काश्तकार पहले ही सोलर पंप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं. नेक्स्ट हेडिंग है डैम्स एंड बैरेजेस. बैरेजेस कहा जाता है बंद को.
In the northern parts of our country, we have fast flowing rivers. Imagine the power and weight of so many millions of liters of water pushing toward the sea. Dams have been built on the large rivers to store water and to slow its movement toward the sea. Dams are built on the upper part of a river when it is flowing fast through the mountainous valleys. हमारे मुल्क के शुमाली इलाकों में दरिया बहुत तेज़ी के साथ बहते हैं, उससे मिलियंस ऑफ लीटर पानी पानी का वजन और पावर इसे दरियाओं की तरफ धकेलती है। बहुत बड़े बड़े दरियाओं के पास जो है वो डैम्स तामीर किए जाते हैं ताकि पानी को स्टोर किया जाए और इसकी समंदर की तरफ हरकत को कम किया जाए, और डैम्स दरिया के ऊपर वाले हिस्से पर तामीर किए जाते हैं जब ये दरिया बहुत तेज़ी के साथ पहाड़ों की वादियों की तरफ बह रहे होते हैं। Some dams are called multi-purpose project. They provide a large reservoir of water for irrigation and other purposes. They also enable us to generate electricity. The main dams in Pakistan are at Warsak, Tarbela and Mangla. And there are smaller dams in Khyber Pakhtunkhwa and Upper Punjab. Kuch dams jo hai multi-purpose projects kehlate hain, means ke mukhtalif tarah ke kaam karte hain. वो पानी ज़खीरा करने के लिए बड़े बड़े तालाब भी मुहैया करते हैं जिनसे आबपाशी की जाती है, और उनके दूसरे मकासद भी होते हैं। ये बिजली पैदा करने में भी हमारी मदद करते हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े दरिया वारसक, तरबेला और मंगला के मुकाम पर है, और कुछ छोटे छोटे दरिया जो है खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के इलाकों में हैं। अनदर वेज ऑफ कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ रिवर इज़ बाय बिल्डिंग अ बैरियर अक्रॉस देम। दिस इज़ कॉल्ड अ बैरेज। लाइक अ डैम, अ बैरेज हैज़ गेट्स विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, स्पेशली इन टाइम ऑफ फ्लड। अ बैरेज रेजेस द लेवल ऑफ वाटर इन अ रिवर और कंट्रोल सो दैट देर इज़ एडिक्यूट फ्लो इन टू द कैनल्स यूज टू इरीगेट द फार्म लैंड्स। दरिया के बहाव को कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए एक तरीका बैरियर भी है जो दरियाओं के करीब कायम किए जाते हैं, उनको बैरेज कहा जाता है, बंद कहा जाता है। डैम की तरह बंद के भी जो है वो गेट्स होते हैं जो पानी के बहाव को कंट्रोल करते हैं, ख़ासतौर पर जब सैलाब आता है। बंद जो है पानी के बहाव को दरियाओं और नहरों में कम करते हैं, जिस वजह से पानी एक मौजूद मकदार में नहरों में बहता है, जिसकी वजह से जाती है, जिसकी वजह से फसलों की आबपाशी की जाती है। सुखर बैरेज इज बिल्ड ऑन द रिवर इंडस। सुखर बैरेज जो है वो दरियाए सिंध पे कायम किया गया है विद इट्स 7 कैनल्स जो कि 7 नहरों के साथ है। इट सप्लाइज वाटर टू अबाउट 25% ऑफ द टोटल कैनल इरीगेशन एरिया ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के टोटल जो है वो आबपाशी के निज़ाम 25% पानी सप्लाई करता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास पावर। पावर मीन्स तवानाई। पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, हाउ एवर इन रिसेंट ईयर्स इट हैज़ बिकम मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड इंडस्ट्रियल कंट्री प्रोड्यूस गुड्स यूजिंग इट्स ओन पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। देर आर सम एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एनी कंट्री दैट वॉन्ट्स टू डेवलप न्यू इंडस्ट्री। इट मस्ट हैव पावर, वाटर एंड रॉ मटीरियल। इट आल्सो नीड मशीन्स एंड वर्कर विच यू विल लर्न अबाउट मोर। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, लेकिन पिछले कुछ सालों में एक सनतकार की हैसियत भी इख्तियार कर एक सनती मुल्क जो है अपने अपनी खुद की तवानाई और कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करके चीज़ें बनाता है। कोई भी मुल्क जो एक नई इंडस्ट्री, एक नई सनत को तरक्की दे रहा होता है, उसके लिए कुछ अहम बातें ज़रूरी होती हैं कि इसके पास तवानाई, पानी और खाम माल मौजूद होना चाहिए, और इसको मशीन्स और वर्कर की ज़रूरत भी होती है, जिनके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऐसी बिजली को कहा जाता है जो पानी की मदद से बनाई जाती है। हाइड्रो मीन्स वाटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर जनरेटेड बाय द वाटर स्टोर्स इन डैम्स। द डैम्स हैव स्पेशल गेट्स विच कैन बी ओपनड एंड क्लोज। देर आर टर्बाइंस व्हील लाइक मशीन्स नियर दीज गेट्स। हाइड्रो का मतलब होता है पानी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तवानाई का एक अहम जरिया है जो कि डैम में मौजूद पानी की मदद से पैदा की जाती है। द डैम्स हैव स्पेशल गेट्स। डैम्स के जो है वो स्पेशल किस्म के गेट्स होते हैं जो बंद या खोले जा सकते हैं, जिनको टर्बाइंस कहा जाता है। ये टर्बाइन हम लोगों को दिखाया गया है। व्हेन अ गेट इज़ ओपन, जब गेट को खोला जाता है, वाटर रशेस थ्रू एंड टर्न्स द टर्बाइन। पानी जो है वो तेज़ी के साथ टर्बाइंस की तरफ जाता है। द पावर क्रिएटेड बाय द टर्बाइन गोज टू द जनरेटर, और जो तवनाई टर्बाइंस की मदद से पैदा की जाती है वो जनरेटर की तरफ जाती है, विच चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल पावर, जो कि बिजली की तवनाई में तब्दील हो जाती है। दिस पावर इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और इस तवनाई को हम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है हयाती ईंधन को। फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड अंडरग्राउंड। अ फॉसिल इज़ द रिमेन ऑफ एन एनिमल और प्लांट दैट हैज़ बीन प्रेस्ड बिटवीन द रॉक्स फॉर मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स। फॉसिल फ्यूल जो है ज़ेर ज़मीन पाया जाता है, और फॉसिल कहा जाता है पौधों और जानवरों के बकाया जात को जो कि हज़ारों सालों से मौजूद ज़ेर ज़मीन चट्टानों के दरमियान में बिल्कुल प्रेस हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑयल इज़ फॉर्म्ड
फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट रिमेन्स, मिसाल के तौर पे तेल जो है वो जानवरों और पौधों के बकाया जात से बनाया जाता है. कोल इज़ फॉर्म फ्रॉम ट्रीज एंड फॉरेस्ट, जबकि कोयला दरख्तों और जंगलात से बनाया जाता है. नेचुरल गैस इज़ आल्सो फॉर्म इन अ सिमिलर वे टू ऑयल एंड कोल. नेचुरल गैस जो है वो भी इसी तरीके से बनाई जाती है ऑयल और कोयले से. इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बबल्स विदाउट एनी स्मेल, ये छोटे छोटे बबल्स की सूरत में पाई जाती है जिसमें कोई स्मेल नहीं होती. एंड इट इज़ मोस्टली मीथेन गैस, और ये ज़्यादातर मीथेन गैस होती है. ऑयल एंड गैस आर ऑब्टेन्ड बाई ड्रिलिंग एंड कोल इज माइंड. ऑयल और गैस है वो ज़्यादातर ज़मीन में ड्रिलिंग करने से हासिल की जाती है, जबकि कोयला कानकुरी के ज़रिए से हासिल किया जाता है. द फॉसिल फ्यूल्स फाउंड इन पाकिस्तान आर मेनली गैस एंड कोल. पाकिस्तान में जो फॉसिल फ्यूल हासिल किया जाता है वो ज़्यादातर गैस और कोल ही होता है, कोयला ही होता है. देर इज़ वेरी लिटिल ऑयल, उसमें बहुत कम ऑयल पाया जाता है. फॉसिल फ्यूल जो थर्मल पावर के ज़रिए से इस्तेमाल में लाया जाता है, सबसे पहले ज़मीन में स्टीम दी जाती है, स्टीम से जो पावर होती है वो टर्बाइन में जाती है, टर्बाइन से जनरेटर में, और जनरेटर से बिजली वगैरह बनाई जाती है. मच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द कंट्री इज़ प्रोड्यूस्ड बाई थर्मल पावर प्लांट्स. फॉर दिस वी बर्न फ्यूल सच एज कोल, गैस एंड ऑयल. देर आर थर्मल पावर स्टेशन एट कराची, हैदराबाद, रावलपिंडी, कोयटा, लाहौर, फैसलाबाद, गुदा, सुखर एंड अदर प्लेसेस इन द कंट्री. पाकिस्तान में जो बिजली है वो ज़्यादातर थर्मल पावर प्लांट्स के ज़रिए से हासिल की जाती है. इसके लिए फ्यूल कोयले, गैस और ऑयल को जलाया जाता है. और यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन जो है वो कराची में, हैदराबाद, रावलपिंडी, कोयटा, लाहौर, फैसलाबाद, गुदू, सुखर और दूसरे शहरों में पाए जाते हैं. नेक्स्ट आ जाता है एटॉमिक पावर्स. अनदर काइंड ऑफ पावर इज़ न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर्स. न्यूक्लियर पावर स्टेशन आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड ओनली अ फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव डेवलप्ड दिस पावर. देर आर टू न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन पाकिस्तान, इन कराची एंड इन चश्मा इन द नॉर्थ. तवनाई की एक और किस्म जो है एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर है. न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो बहुत महंगे होते हैं, इसलिए दुनिया के बहुत कम मुल्कों ने इस तवनाई को जो है वो डेवलप किया है. और पाकिस्तान में सिर्फ दो न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं, एक कराची में, दूसरा शुमाल की जानेब चश्मा के मुकाम पर. नेक्स्ट आ जाता है अदर फॉर्म्स ऑफ पावर. पावर्स कैन बी जनरेटेड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सन. तवनाई जो है वो पैदा की जा सकती है सूरज से, तवनाई हासिल करके, उसे हम सोलर पावर कहते हैं. एंड फ्रॉम द विंड, थ्रू विंड मिल्स, और विंड मिल्स की मदद से जो है वो तवनाई हासिल की जा सकती है. हवा की मदद से बायोगैस फ्रॉम काउ डंग, बायोगैस पैदा की जा सकती है काउ के गोबर से या गंदगी से. एंड इथानॉल फ्रॉम शुगर कैन एंड मेज, इथानॉल गन्ने से और मकई से हासिल की जा सकती है. वी आल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस पावर. ये तरीके हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं पावर पैदा करने के लिए, तवनाई पैदा करने के लिए. एनर्जी फ्रॉम द सन इज स्टोर इन सोलर पैनल्स प्लेस्ड ऑन रूफ टॉप और इन स्पेशल लोकेशंस एंड इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. हाउएवर इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर. सूरज की मदद से जो तवनाई हासिल की जाती है वो सोलर पैनल में महफूज की जाती है, जो कि छतों के ऊपर रखा जाता है. उनकी खास जो है वो लोकेशन होती है जिसकी मदद से बिजली पैदा की जाती है. तहम ये बहुत महंगा तरीन तरीका है बिजली पैदा करने का. द पावर ऑफ द विंड इज़ यूज थ्रू विंड मिल्स, और हवा की मदद से जो बिजली पैदा की जाती है विंड मिल्स के जरिए से पैदा की जाता है. ब्लेड्स टर्निंग इन द विंड, हवा में जो है वो ब्लेड्स हरकत करते हैं. वर्क द टर्बाइन, जिसकी वजह से टर्बाइन काम करता है. वी जनरेट पावर और तवनाई पैदा कर. नेक्स्ट भी हमारे पास हेडिंग आ जाती है रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल कहते हैं खाम माल को. एनी मैटर विच इज़ इन अ नेचुरल स्टेट एंड इज़ नॉट मैन मेड इज़ अ रॉ मटेरियल. कोई भी मादा जो अपनी कुदरती हालत में और उसे किसी इंसान ने ना बनाया उसे खाम माल कहते हैं. दे कैन बी प्लांट्स और मिनरल, ये पौधे या मादनियात हो सकती हैं. सम रॉ मटेरियल सच एज प्लांट्स एंड वुड एंड सम टाइप ऑफ रॉक्स आर फाउंड ऑन द अर्थ सर्फेस. कुछ किस्म के मादनियात जैसे कि पौधे, लकड़ी और कुछ किस्म की जो है वो चट्टानें ज़मीन की सतह के ऊपर पाई जाती हैं. हाउएवर तहम अंडर द अर्थ सर्फेस देर आर मैनी मिनरल्स विच आर यूज इन इंडस्ट्री. ज़मीन की सतह के नीचे बहुत सी मादनियात होती हैं जो कि सनत में इस्तेमाल होती हैं. मिनरल्स कहते हैं मादनियात को. देर आर मेटेलिक मिनरल्स सच एज आयरन और कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर. धाती मिनरल जो है वो कहा जाता है खाम लोहे को, तांबे को, सोने को और सिल्वर को. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. पाकिस्तान डज नॉट हैव मैनी मेटेलिक मिनरल्स. क्रोमाइट, आयरन और कॉपर एंड मैग्नीशियम आर सम ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स फाउंड हेयर इन वेरियस क्वान्टिटी. पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा धाती मादनियात मौजूद नहीं है. क्रोमाइट, आयरन और कॉपर, मैग्नीशियम जो है वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ क्वान्टिटीज़ में या मुख्तलिफ मकदार में मौजूद है. हाउएवर देर इज़ अ गुड सप्लाई ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स. तहम यहाँ पे नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बहुत अच्छी सप्लाई है, लाइक रॉक साल्ट,
जिप्सम, लाइमस्टोन, सोप स्टोन, सल्फर एंड मार्बल। रॉक सॉल्ट कहा जाता है नमक के पत्थर को, जिप्सम लाइमस्टोन कहा जाता है चूने के पत्थर को, सोप स्टोन साबुन के पत्थर को, सल्फर एंड मार्बल। अ वराइटी ऑफ जेम स्टोन इज ऑल्सो माइंड। जेम स्टोन कहा जाता है जवाहरात को, बहुत ज़्यादा मकदार में जवाहरात जो है वो भी उनकी भी कानकुनी की जाती है। देर आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स सच एज सॉल्ट एंड प्रीशियस स्टोन लाइक डायमंड्स, इमरल्ड्स एंड रूबीज। यहाँ पे गैर धाती मादियात भी पाई जाती हैं जिनमें नमक और बहुत कीमती किस्म के पत्थर और डायमंड्स, हीरे और जमुर्द और रूबीज़ वगैरह पाई जाती हैं। इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर कम्प्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जो है साइंस, यूनिट नंबर 5, एनवायरनमेंट एंड फूड चेन। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया था, आज हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सो ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 54 पेज पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट आंसर। द ग्रीन सब्सटेंस इन लीव दैट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। पत्तों में मौजूद सब्ज मादा जो फोटोसिंथेसिस के लिए अहम होता है उसको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोफिल, क्रीपर, कोकोनट। करेक्ट आंसर इज क्लोरोफिल। पिक द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एरियल एनिमल। एरियल एनिमल की हमें डेफिनेशन बतानी है। एरियल एनिमल्स लिव इन ट्री, एरियल एनिमल्स ईट लीव्स, एरियल एनिमल्स ऑलवेज लिव ऑन द ग्राउंड, एरियल एनिमल्स हैव विंग्स एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द एयर। करेक्ट आंसर इज डी। एरियल एनिमल्स के पर होते हैं और वो ज़्यादातर वक्त अपना हवा में गुजारते हैं। नेक्स्ट है, एन एनिमल विच ईट मीट एंड प्लांट्स इज कॉल्ड। जो जानवर गोश्त और पत्ते या पौधे खाता है उसको क्या कहा जाता है? हर्बीवियर, एर्बीवियल, ओमनिवर एंड टेरिस्ट्रियल। ओमनिवर। वाई आर एक्वेटिक प्लांट्स इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल लाइफ। एक्वेटिक प्लांट्स जानवरों की जिंदगी के लिए किस तरह से अहम है? दे प्रोवाइड फूड, दे प्रोवाइड अ रेस्टिंग प्लेस, दे हेल्प टू कीप द वाटर क्लीन। ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज बी, दे प्रोवाइड अ रेस्टिंग प्लेस। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज एन ओमनिवर? काउ, चीता, ह्यूमन एंड लोटस। ओमनिवर्स कहा जाता है ऐसे जानदारों को जो हर चीज़ खाते हैं, तो इनमें से ह्यूमन है जो हर किस्म की चीज़ खाते हैं। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। डीकम्पोजर्स फीड ऑन डेड बॉडीज। डीकम्पोजर जो है वो मुर्दा इंसान को खाते हैं। ओनली प्रोड्यूसर्स कैन मेक देयर ओन फूड। सिर्फ प्रोड्यूसर अपनी खुराक खुद बनाते हैं। प्रोड्यूसर कहते हैं पैदा करने वालों को। कंज्यूमर्स आर दूज लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। कंज्यूमर्स खर्च करने वाले जानदारों को कहते हैं या सार्फीन को कहा जाता है। ये ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। काउस एंड गोट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ हर्बीवियर्स एनिमल्स, दे डू नॉट ईट फ्लैश। हर्बीवियर्स कहा जाता है सब्जी खोर जानवरों को। गाय और बकरियाँ जो है सब्जी खोर जानवरों की मिसालें हैं क्योंकि वो दूसरे जानवरों को गोश्त नहीं खाते। ओमनिवर्स एनिमल ईट प्लांट मैटर एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ओमनिवर्स जो होते हैं वो हमा खोर जानदारों को कहते हैं। वो पौधे भी खाते हैं और दूसरे जानदारों का गोश्त भी खाते हैं। एन एनिमल विच मेंटेन इट्स बॉडी टेम्परेचर बाय ऑब्जर्विंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज कोल्ड ब्लडेड। ऐसे जानदार जो अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक अपने जिस्म का दर्जा हरारत तब्दील करते हैं उनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। एन एनिमल दैट मेंटेन इट्स बॉडी टेम्परेचर इंटरनली एंड डज नॉट चेंज इट विद द सराउंडिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल। ऐसे जानदार जो अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक अपने जिस्म का दर्जा हरारत तब्दील नहीं करते, ऐसे जानदारों को या जानवरों को वार्म ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऐसा अमल जिसके जरिए से पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फूड चेन बिलो। कैबेज, कैटरपिलर, स्पैरो एंड ईगल। विच ऑफ द अबव इज अ प्रोड्यूसर एंड विच आर कंज्यूमर। जैसे कि पहले हमने बताया था कि प्रोड्यूसर्स ऐसे जानवरों को कहते हैं जो खुराक को पैदा करते हैं और कंज्यूमर जो खुराक को खर्च करते हैं, ये सार्फीन। ठीक है, तो कैबेज क्या है? एक सब्जी है, तो ये प्रोड्यूसर है। ठीक है, और कैटरपिलर जो है वो कैटरपिलर कंज्यूमर है, ये सब्जी को खाता है या पौधों को खाता है, इसलिए ये कंज्यूमर है। उसके बाद स्पैरो कैटरपिलर को खाती है, इसलिए स्पैरो भी कंज्यूमर ही है। और ईगल, नेक्स्ट है ईगल, ईगल स्पैरो को खाती है, इसलिए स्पैरो और ईगल दोनों कंज्यूमर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हर्बीवियर, कार्निवर और ओमनिवर। पुट दीज एनिमल्स इन द करेक्ट कॉलम ऑफ टेबल।
हमारे पास एनिमल्स दिए गए हैं, हमने इनको डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा जानवर जो है वो हर्बीवियर और कौन सा कार्निवियर। जैसे कि हमने पहले बताया था कि हर्बीवियर ऐसे जानवरों को कहते हैं जो सब्जी खोर होते हैं या पौधे या सब्जियां खाते हैं, कार्निवर गोश्त खोरों को कहा जाता है, और ओमनिवर जो दोनों तरह की चीज़ें खाते हैं, ठीक है। और हर्बीवियर में हमारे पास क्या आ जाएगा, डियर, हॉर्स, काउ, गोट, शीप, एलिफेंट एंड रैबिट, ये तमाम जानवर जो हैं वो पौधे खाते हैं। उसके बाद कार्निवर्स हैं, इसमें आ जाता है टाइगर, डॉग और जैकल, कैट, वल्चर, ये सब जो हैं वो गोश्त खाते हैं। उसके बाद है ओमनिवर, ओमनिवर में आ जाता है क्रॉ, ह्यूमन और कॉकरोच, बियर्स, ये गोश्त भी खाते हैं और पौधे भी खाते हैं। Add other animals to each list. Discuss the animals you and other have added into your list. आपने खुद से जो है वो ऑब्जर्व करना है कि कौन से जानवर जो है वो सब्जी खोर हैं, कौन से गोश्त खोर और कौन से दोनों चीज़ें खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपने बताना है फाइंड टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने डेजर्ट प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट और फ्लोटिंग प्लांट्स, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स और अंडर वाटर प्लांट्स, इनकी आपने एग्जाम्पल्स लिखनी है। तो आपने बुक में सर्च आउट करना है या फिर आपने इंटरनेट से सर्च आउट करके या आपने खुद से एग्जाम्पल्स लिखनी है। आज का हमारा साइंस का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू।